नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज फिर मैं अपने गार्डन से छोटी सी हार्वेस्टिंग करने वाला हूँ, तो सोच आपके साथ ही आज की वीडियो भी शेयर करूँ। तो दोस्तों आज मैं अपने गार्डन से तोरी हार्वेस्ट करने वाला हूँ और एक कद्दू हार्वेस्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों इसी तरीके से मेरे चैनल पर आती रहती है हार्वेस्टिंग की। अगर आप भी टेरेस गार्डन में इस तरह से वेजिटेबल उगाना चाहते हैं और हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह से अपने चैनल पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, तो आज वीडियो हम आज की वेजिटेबल की हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों तोरी की। ये तोरी का साइज़ भी अच्छा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी अपने गार्डन से भी हार्वेस्टिंग करी थी। ये भी छोटा है। देखिए दोस्तों, अभी मेरी इसी तरीके से गार्डन में अभी तोरी और आ रही हैं। इधर मेरे अभी ये सारे ब्रिंजल्स के पेड़ हैं, सारे बैंगन के पेड़ हैं, इनसे भी मैंने अभी हार्वेस्टिंग करी थी और इसमें फिर से फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, और देख सकते हैं अभी मेरी बेल पे भी और कितनी सारी अभी तोरी आ रही है। बैंगन अभी आ रहे हैं, अभी मैंने दो दिन पहले ही हार्वेस्ट किए हैं। आप तो बैंगन के पेड़ पे दोस्तों, जितनी जल्दी आप फ्रूटिंग हार्वेस्ट करेंगे उतनी जल्दी आपकी फिर से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट होगी। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। दोस्तों वैसे तो इनका अब सीज़न जाने वाला है, बस ये लास्ट है अक्टूबर लास्ट, बाद में इस पर अब तोरियाँ बंद हो जाएंगी। फिर बाकी मैं इस बेल को निकाल के मैं इस बेल को तोड़ दूँगा और इसको हम रख लेंगे कंपोस्ट बनाने के लिए। और ये दोस्तों, इधर मैंने सिंगरे के पौधे लगाए हैं। ये मेरी बीन्स की बेल है लोबिया की, और इस तरफ मैंने सेम की बेल लगाई है। अब ये फली नहीं है, देखते हैं इसका सीज़न विंटर में आता है। अभी इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, फिर इसकी आपसे फ्रूटिंग दिखाएंगे। ये मेरी इधर अंगूर की बेल है। और दोस्तों इधर ये मेरी लौकी की बेल है। इधर एक फ्रूट थोड़ा टेढ़ा हो गया है, उसका कपड़ा टाइट होने के कारण। चलिए मैं इसको ठीक कर देता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, कपड़ा टाइट होने के कारण ये तो पूरा सांप बन गया है सही। चलिए कोई बात नहीं, इसकी शेप ख़राब हो गई है। इस पर मैं थोड़ा खुला कपड़ा कवर कर देता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, पेठा मेरा कद्दू। यहाँ पे मैंने पहले भी कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी, मैंने वो भी हार्वेस्ट किया था। आज ये मैं दूसरा हार्वेस्ट करने वाला हूँ। और दोस्तों स्वाद का लाजवाब, आप पूछिए ही मत क्या कहना। देखिए
ये मेरे को कम से कम 2 kg के आसपास लग रहा है। इससे पहले ही मैंने 1 किलो 300 ग्राम का हार्वेस्ट किया था। देखिए दोस्तों, हम अपने गार्डन में इस तरीके से सब्जियां आसानी से ग्रो कर सकते हैं और उनसे फ्रूटिंग भी मिलती है। और इनका जवाब तो आप खाने का पूछिए नहीं, ये केमिकल फ्री है, इनका टेस्ट ही कुछ लाजवाब है। और इधर मेरा ये कश्मीरी एप्पल बेर का प्लांट, इस पर फ्लावरिंग हो रही है। आपको मैं दिखाऊं तो ये फ्रूटिंग में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। और ये फ्रेंड्स चाइना ऑरेंज का प्लांट है, इसका मेरे पास एक मदर प्लांट भी है जिस पे इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस पर फ्रूटिंग हो रही है। और इस पर आप देख सकते हैं, इस पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सब कन्वर्ट हो रही है। और ये इधर मेरा अनार, ये भी रेड होना शुरू हो गया है, इस पर भी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। तो इसकी मैंने पहले वीडियो शेयर करी थी, आप चाहो तो देख सकते हो। इसकी भी हमारे वेस्टिंग की वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स। अब इसको थोड़ा और रेड होने दीजिए। चलिए चलिए दोस्तों, इधर देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी हाइट के ऊपर लगा है, मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा इसके लिए। चलिए यहाँ ऊपर चढ़ते हैं। एक हमारा उस तरफ लगा है, चलिए उसका भी हम तोड़ लेते हैं। और दोस्तों इधर ये भी मेरी पम्पकिन की बेल है, यहाँ पे भी 2 कद्दू लगे हैं। चलिए हम जल्दी से हार्वेस्ट कर लेते हैं। चलिए एक हमारा इस तरफ लगा है। उधर दोस्तों आप जो येलो कलर की फ्लावरिंग देख रहे हैं, वो मेरे खीरे की बेल है। उस पर फ्लावरिंग तो हो रही है अभी, लेकिन कोई फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की हार्वेस्टिंग मैंने कर ली है। तो फ्रेंड्स, ये आज की हमारी हार्वेस्टिंग देखिए। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।